की हाल चाल है। उम्मीद करता तुम सारे वधिया होगे। सो दिन बहुत वधिया जा रहे होंगे। सो न्यू डे न्यू व्लॉग। पहले तुहाडे सब दा थैंक यू क्योंकि तुसी बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो इंस्टाग्राम नूं। यूट्यूब इज ऑलसो गेटिंग बैक टू ट्रैक एंड आई एम ऑलसो ट्राइंग टू गैट बैक ऑन ट्रैक एंड तुहानूं वधिया वधिया कंटेंट दईए। तो अज असीं वेले सीगे, अज है बुधवार ते पापा कित्थे गए नहीं, पापा घर पर अज वेले थे। तो हमने कहा चलो घूमने चलते हैं। गगन तो कॉलेज से आया, वो सो रहा है। मैंने कहा मैं नहीं सोऊंगा अभी, मैं थोड़ा सा ना कंटेंट बना लें फिर आराम से सोएंगे। तो आज हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं उसे बाबू को रास्ते बताते हैं। भाई मम्मी के पास ना इतने प्यारे जूते हैं, रीबॉक से दिलवाए थे स्पेशली, और मैंने भी लिए थे। मम्मी ने आज तक डाल के देखे ही नहीं, आज जबरदस्ती डलवाए हैं पिंक कलर के। आप बताओ कैसे लग रहे हैं। और दूसरा एक चीज़ दिखाते हैं, ये जो टी शर्ट है ना, ये नई टी शर्ट है। इस टी शर्ट का कलर क्या है मम्मी बताइए, इधर आओ। कैसी है ये मम्मी बताना। अच्छा कलर है। नहीं वो इंग्लिश कलर है ये। इंग्लिश एक नया कलर मैंने सीखा है, इंग्लिश कलर। ऑरेंज ब्लू रेड सुनोगे आपने, इंग्लिश कलर। नहीं मतलब ये नहीं इंग्लिश कलर, मतलब उस हिसाब से है। कलर तो अलग है, एक शेड तो अलग है, मतलब ये ऐसे कलर को बोलते हैं इंग्लिश कलर। अच्छा कहाँ से सीखा आपने? सलाह पहनी। मम्मी ने ना जूते डाले, कहती देख मैं कैसे उड़ते हुए जा रही हूँ जूते डाल के। तो हम जा रहे हैं सिलेक्ट सिटी वॉक। सिलेक्ट सिटी वॉक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ना एक तो आपने टिम हॉर्टन्स वाली रील्स को बहुत प्यार दिया। टिम एंगल ने दुकान खोली है। टिम हॉर्टन्स की रील को आपने बहुत प्यार दिया। तो हमने कहा कि बहती गंगा में दोबारा हाथ धो लिए थे। दो में तो दो ही लिया पहले। हाँ अभी पता चलेगा कि क्या होता है। हमने बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट सोचा, अगर वो शूट हो गया तो ठीक है। बाकी मम्मी की रील बहुत ज़्यादा हिट होगी सिलेक्ट सिटी वॉक की, जो मम्मी ने बनाया था देसी मॉम्स इन सिलेक्ट सिटी वो मॉल्स। तो हमें स्पेशल सिलेक्ट सिटी मॉल के स्टोर से मैसेज आया है कि प्लीज़ आप अपनी फैमिली को लेकर आओ और हमारे यहाँ रील बनाओ। अच्छा। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, इतनी बड़े मॉल वाले जहाँ पे कैमरा चलाने नहीं देते। हाँ। वो आपको शूट करने के लिए बुला रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वहाँ जाएंगे, अभी देखते हैं क्या सिस्टम है। फैमिली तो नहीं जा रही, गगन नहीं जा रही है ना। वो सो रहा है ना। वो सो रहा है, उसका टाइमिंग उसका कॉलेज था ना आज। आज कॉलेज था उसका। हाँ। स्टार्ट हो गए। तो अभी हम जा रहे हैं, आज पापा मम्मी को भी टिम हॉर्टन्स की कोई ना कोई चीज ट्राई कराएंगे। मैं तो करूंगा नहीं क्योंकि आई एम ऑन डाइट। आज से हम डाइट डूइट पे आ गए, कल से आ गए, अब अपने पतले होना है। कितनी खुशी उड़ती है कि इधर आ जाओ ना, बीच में आ जाओ ना, ऐसे मत दो टॉपिक पीछे से। भाई हमारा कंटेंट पीछे ही बैठा है ना। कहाँ से हमें आइडियाज आते हैं, यहाँ से है ना। भाई मैं आपको बता रहा हूँ है ना, अगर आप जिंदगी में कुछ भी अच्छा काम करोगे ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं तब आपको याद नहीं करेंगे, तब आपको ना फोन करके कॉन्ग्रेट्स नहीं करेंगे, यार प्राउड ऑफ यू ब्रो आपने ये कर दिया। पर अगर कुछ पुट्ठा काम हो जाए जिनसे उनको इतनी खुशी हो रही है ना, सबसे पहला फोन उनका कहेगा भाई मैंने सुना है आपके साथ ये हो गया। भाई अरे भाई साहब कंफर्म तो ऐसे करेंगे, अच्छे टाइम पे नहीं याद करेंगे, माय टाइम में सबसे पहले फोन उनका ही आएगा। बट दिस इज बैड, फिर वो ब्लॉक में चले जाते हैं। फाइनली हम सिलेक्ट सिटी तो पहुंच गए, आज रश कम लग रहा है, तो मेरे को लग रहा है आराम से टिम हॉर्टन्स में नंबर आ जाएगा। देखो पापा आपको तो कनाडा बुला नहीं पाया मैं, पर मैंने कहा टिम हॉर्टन्स इंडिया ले आते हैं। टिम हॉर्टन्स सिखाते हैं पापा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा काम करा तुमने। भाई जब नया नया खुला था ना टिम हॉर्टन्स, इधर हो जाओ फोटो खींच लिया, जब नया नया टिम हॉर्टन्स खुला था ना तो रश बड़ा था, आज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। थोड़ी सी लाइन है, ज्यादा नहीं है। सही दिन आए हम, क्या कह रहे हैं? मैं तेरे फायदे के लिए कह रही थी। छोले भटूरे मम्मी कहते हैं, देखो छोले भटूरे हुई है, हल्दीराम भी आए। गगन कह रहा था कुछ छोले कुलचे। गगन कह रहा था, मेरे को नहीं पता बेटा। सर ये आपका कहाँ का ब्रांड है? तो मतलब कोई जुगाड़ है, मैंने सारे एजेंट देख लिए, कहीं वीजा नहीं लग रहा, आप लगवा सकते हो? कैसी बात है। मेरी जॉब लगवा दोगे यहाँ वाले पे? नहीं वो कनाडा वाले पे। कोई है वैकेंसी? अच्छा मेरा वीजा नहीं लग रहा ना सर। कोई है आपका डोंगी डोंगी मरवा के करवा दो। नहीं होगा कि आपके यहाँ पे कैश पे जॉब लग जाती है? कैश पे जॉब? हाँ। अरे मैंने यूनिवर्सिटी की फीस से भरनी है यार, वीजा नहीं लग रहा ना कनाडा का। हाँ अच्छा। अरे वैसे कोई आपके यहाँ जुगाड़ है कि डोंगी डोंगी मार के पहुँच जाए? आपकी तो इंग्लिश ही बढ़िया है, इसमें इतने बैंड आए थे आपके। या वीजा लग जाएगा इसके बाद मेरा, फिर खाने के बाद लग नहीं रहा सर, अटका हुआ है बड़ा।
टिम्स पे हमने ऑर्डर तो कर दिया लैम्ब रैप और फ्रेंच वनीला, पापा लेकर आ रहे हैं, पर अब हम उस स्टोर पे जा रहे हैं जहाँ से हमें वो आया था इनविटेशन। आपको कैसा लगा टिम होटल्स? अच्छा लगा। रश बहुत है ना? बहुत। पर सबसे ज्यादा खुशी क्या हुई ये बताओ आप? खुशी हो रही है वहाँ पे जो है खड़ा था उसने मेरे को पहचाना। हाँ भाई, अब लोग हमें नहीं पहचानते, मम्मी स्टार हो चुकी है, मम्मी को पहचान लेते हैं अब लोग। फिर मम्मी को स्पेशली सीट भी दी गई, आंटी बैठ जाओ। मैं स्पेशली मम्मी को लेकर आया, आपका रात को मैसेज आया, मैंने कहा मम्मी आप फेमस हो गए हो। हम पाजी के स्टोर पे आए, पाजी का स्टोर एक बार आप बता दो, इंग्लिश बड़ी औखी है, पेस्टल्स तो मेरे को समझ आ गया, यूज एंड पेस्टल्स है ना, यहाँ से देखते हैं कुछ। अगर किसी ने आना है तो पाजी के स्टोर पे जरूर आना, विजिट जरूर करना, जारा के बिल्कुल साथ में। भाई पापा अपने पूरे खाते हुए आ रहे हैं, हैं? आप अपने पूरे जोश में खाते रहे, कैसे है? आखिरी बढ़िया है, पापड़ बना कर दिया खिलाना। भाई पापड़ दिया हुआ ये मत खाना। भाई ड्रिंकिंग फ्रेंच वनीला आफ्टर सो लॉन्ग, कॉफी बढ़िया भाई, कॉफी पूरा कनाडा वाला टेस्ट है, कॉफी अच्छी है, बट रोल ऐसे रोटी ऐसे सूखी जाते हैं, पापड़ भी ये पी के देखो कॉफी अच्छी है, कैसी है कॉफी? अच्छी है ना फ्रेंच वनीला, हर पंजाबी को पसंद आती है, इसमें चीनी ठोक के होती है, सारी गंदी कर दी है। भाई थैंक यू यूज एंड पेस्टल्स फॉर इनवाइटिंग अस एंड गिविंग अस वेरी गुड गिफ्ट। मैं आपसे ना एक वो शेयर करता हूँ इंसिडेंट, मॉल में घुसते ही हमारी मम्मी का पर्स टूटा है ना, और कहते हैं ना जो कुदरत चाहती है उससे बड़ा कोई नहीं होता। मम्मी को गिफ्ट क्या मिला? पर्स दिखाओ एक बार, ये कितना प्यारा पर्स मिला, इसके अंदर वो स्ट्रिप स्ट्रैप ट्रूप भी है, वो हम बाद में लगा लेंगे। देखो मैं मॉल बैठो और रील बनाइए, ए भी नहीं लेना ओ भी नहीं लेना, फिर मैं लेके जा रही हूं। देखो फिर भी मैं देखो लेके जा रही हूं, आओ तुसी लो वो चीजें लो, अच्छा है सिलेक्ट सिटी बहुत। अब मम्मी ना ये नहीं कह सकती करण कुछ दिलांदा नहीं है, तुम्हें बढ़िया चीज लेके देना, जो मेरे शौक है ना इम्पोर्टेड लिपस्टिक वगैरह इम्पोर्टेड लेना, वो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। भाई ऐसा पूरा किद्दा होएगा, तुसी सपोर्ट करोगे ता पूरा होएगा है ना। भाई देखो अब हमने टिम हॉर्टन्स का रिव्यू तो आपको दे दिया, मैंने भी दे दिया था, पापा ने भी दे दिया है, हमें रोल पसंद नहीं आया, बट फ्रेंच वनीला तो इनका मेन वो ही है, तो फ्रेंच वनीला अच्छी थी इनकी, जो इनका फेस है टिम हॉर्टन्स का, फ्रेंच वनीला इज गुड। फ्रेंच वनीला से ना रिलेटेड आपको स्टोरी बताता हूँ, मैं जब कनाडा गया था या कोई भी जब कनाडा जाता ना तो सबसे पहले उसके दोस्त उसके रिश्तेदार उसको एक ही चीज़ पिलाते हैं, फ्रेंच वनीला। फ्रेंच वनीला क्यों? क्योंकि भाई उसमें चीनी ठोके होती है और हम हिंदुस्तानी को ना चीनी बहुत पसंद है, तो अगर आप भी जाओगे फ्रेंच वनीला जरूर ट्राई करना। टिम हॉर्टन्स तो ट्राई कर लोगे, पर उसके साथ एक जारा के साथ यूज एंड पेस्टल्स है वो जरूर ट्राई कर लेना। भाई फाइनली घर आ गए हैं और मम्मी को ना जो पर्स मिला यूज एंड पेस्टल्स है, मम्मी तो वही मतलब टांग के घूमे जा रही है, इतना प्यारा पर्स है। देखो हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमें उन्होंने इनवाइट किया था, इसलिए कह रहे हैं कि ना क्वालिटी लेदर क्वालिटी और प्राइस अफोर्डेबल है। मम्मी आप बताएं कैसे? हाँ बहुत बढ़िया, मेरे को डेली यूज के लिए मार्केट जाना अच्छा लग रहा है, प्योर लेदर का है, अच्छा गुड है।